जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी तो सारे भाइयों को मालूम पड़ गया होगा एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो गया है, जो कि रात 10 बजे की आउट हो गया है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, एसएससी जीडी ने स्पेशल कोई नोटिस नहीं जारी किया है कि इसका डेट बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। चलिए दोस्तों, भाइयों का नाम मेरिट में आ गया है, कई भाइयों का आए नहीं, वो लोग दुखी ना हुए, और भी एग्जाम निकलेगा और उन वो एग्जाम पास करने का तरीका आप लोग को बताऊंगा और आप पक्का जरूरी फौजी बनोगे। तो जो भाइयों का हो गया उन लोगों को मेरा बहुत बहुत वेलकम। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटी, बीएसएस भी सारे जो लड़कों ने जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत वेलकम और बधाइयाँ। सबसे बड़ी चीज़ें मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी जो कॉल लेटर जो ज्वाइनिंग का बात है, ज्वाइनिंग का मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मार्च 1 से ही आप लोग को आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। और एक बात याद रखना, जब भी आप लोग का डेट मिलेगा, सपोज आप लोग को मार्च 20 तारीख डेट मिला है, आप लोग 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। क्योंकि यदि आप पहले ज्वाइनिंग करते हो, जिस दिन आपको लेटर रिसीव हो गया ना, जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया ना, चाहे उसी दिन भी आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। क्योंकि आप लोग को एक सीनियरिटी मिलता है, जब आप लोग का प्रमोशन आएगा हवलदार की, सब इंस्पेक्टर की, एएसआई की, तो आप लोग को इसी सीनियरिटी दिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फोर्स में एक दिन का सीनियर सीनियर होता है, समझ गए कि नहीं दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लोग का आता है कॉल लेटर, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। और दूसरा बात है, मैं ये आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ भाई, हो फिर से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, बहुत बहुत वेलकम आप लोग को फौज में और फौजी बनने जा रहे हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयारी कर लो, ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप लोग एक चीज़ जाएगा, जो अपना आप पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था, पिछले वीडियो मेरा देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयारी करना है। सबसे पहले आप लोग का क्या मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यदि आप ज़्यादा एजुकेटेड है तो प्लस टू सर्टिफिकेट दे सकते हैं और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और आप कौन सी कास्ट को बिलिंग कर दे, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल। दूसरा बात है आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड भाई जरूरी बना लेना, क्योंकि पैन कार्ड से आप लोग को पे आएगा, वो इनकम टैक्स के हिसाब से वो कटने के टाइम पैन कार्ड की बहुत जरूरी पड़ता है। और नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का एसबीआई का, क्या कर लीजिए अभी से ही, जी जो मतलब अभी से ही आप लोग कर लीजिए एसबीआई का, आप लोग एक पासबुक कर लीजिए, मतलब अकाउंट कर लीजिए और ज्वाइंट कर लीजिए। आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं, यदि आप मैरिड है आपको वाइफ को नॉमिनी रखेंगे, यदि आप मतलब मैरिड नहीं है तो मदर को नॉमिनी या फादर को, तो उनको इस हिसाब से मिला के ज्वाइंट अकाउंट कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा बात है आप लोग को थोड़ा फोटो खींच लीजिए, कहीं फोटो लगेगा आप लोग को, ठीक है, 10 से 12-15 फोटो, रिसेंट फोटो खींच के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जब आ जाएगा ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा, 20 दिन 15 दिन टाइम देगा, उसी के अंदर आप लोग को पहले ही ज्वाइनिंग करना है, तो 3 महीना टाइम देता है। आप लोग किसी रीजन से नहीं ज्वाइनिंग कर पा रहे तो कर पाए, तो फिर भी आप लोग समय नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग पहले से सब तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो फिर और एक बात ये बोलना चाहता हूँ भाइयों, जिस भाई ने मतलब ये नहीं किया है, मतलब सपोज कहीं मतलब उसका प्रॉब्लम हो गया है, मतलब अभी कोई मतलब केस की चलते फंस गया है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए आप आपका केस को अभी कॉम्प्रोमाइज कर ले कि क्लोज करवा ले, कैसे से कैसे करके आप लोग को केस को रफा दफा कर लीजिए, और फिर नहीं तो थोड़ा आप लोग को नौकरी में बहुत दिक्कत हो सकता है, फिर आपको बहुत परेशानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये और ये बोलना चाहता हूँ, यदि किसी भाई ने सपोज कहीं इंजरी हो गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंजरी हो तो फिर दिक्कत है, थोड़ा इंजरी हो तो मतलब अभी फिट हो जाइए और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरिट आ गया, बहुत जल्दी मार्च में ही आपको हाथ में होगा कॉल लेटर मार्च में आपको कॉल लेटर होगा, और टाइम 10-15-20 दिन मिलेगा, उसके अंदर ही आप लोगों को ज्वाइनिंग करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाइयों, मैं और कुछ किसको कोई प्रॉब्लम हुआ और कुछ है तो आप लोग मेरे को वीडियो में कमेंट दीजिए और मैं आप लोग को हर प्रॉब्लम को जानकारी दूंगा। और अभी ये वीडियो आपको आगे आगे किया होगा क्या नहीं, जब तक ज्वाइनिंग तक और ट्रेनिंग तक सारे बात आप लोग इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और किस भाई को कौन सा फोर्स मिला और कहाँ श्रेष्ठ बिलोंग करते हो बताओ कॉमेंट में। ठीक है दोस्तों, और चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों।